प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चिलोड़ा सेवा केंद्र के नवनिर्मित भवन का आज मंगल उद्घाटन समारोह है। साथ साथ चिलोड़ा सेवा केंद्र के 30 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उसका वार्षिक उत्सव भी हम सभी मिलकर के धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति और धर्म साधना में शिव और शक्ति का गायन शुरू से चला रहा है। वही शिव का शिवालय जगदम्बा भवन आज उद्घाटित होने जा रहा है। तो इस भव्य उद्घाटन समारोह में आज गीत संगीत चारों ओर गूंज रहा है और हमारी सभा में इतने सारे महानुभाव मंच पर आसीन हैं, तो उनसे भी हमारा मंच सज गया है। आगमन से जिनके सज गई है दरबार, यादगार वो लोग हैं जिनके घर इतने सारे मेहमान आते हैं, वैसे दादी जी और हमारे महानुभाव, ये चिलोड़ा आपका घर है, अपना घर है। आपके घर में आपका हम सभी मिलके स्वागत करते हैं बारंबार, स्वागत करते हैं बारंबार। इसी स्वागत की श्रृंखला में मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि मंच के हमारे सभी महानुभाव का पुष्प गुच्छ के द्वारा, तिलक के द्वारा स्वागत अभिनंदन करेंगी। ब्रह्मा कुमारी प्रीति बहन, मीरा बहन, अंबिका बहन और मानसी बहन, आप सभी का बहुत सुंदर पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत अभिवादन करेगी। आज उद्घाटन का प्रसंग है, चारों ओर गीत संगीत गूंज रहा है, जर्रा जर्रा पुलकित हो रहा है। आप भी तालियों से इस मौके को अगर साथ देंगे तो हमारे मेहमानों की ये स्वागत की विधि में आपकी उपस्थिति बन जाएंगी। हमारी दादी जी, निर्वैर भाई जी और हमारे आईजी, डीआईजी, सभी मंचासीन मेहमानों का बैज से, तिलक से, पुष्प गुच्छ से स्वागत हो रहा है। आप आज तालियां देते रहेंगे, बजाते रहेंगे तो आपकी भी एक्सरसाइज हो जाएंगी और हमारी आपकी खुशियां डबल हो जाएंगी। आज इस उद्घाटन के मौके पे यादों की बरसात लिए, दुआओं की सौगात लिए, चांद की रोशनी से, फूलों के कागज पर, तारा दीदी आपके लिए तीन शब्द ही बहुत काफी हैं, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इसी स्वागत की श्रृंखला में मैं मधुरवाणी ग्रुप को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मधुरवाणी ग्रुप सतीश भाई, नितिन भाई, गोविंद भाई, विशेष खास हमारे मधुबन हेडक्वार्टर से इस मौके पर हमारे बीच में पधारे हैं। जब भी ऐसा सुंदर मौका होता है तो हमेशा वो अपने प्रेरणादायी गीत के द्वारा सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो आइए सतीश भाई एंड ग्रुप। बहुत ही शुभ अवसर है। इस अवसर पर आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आज के इस विशेष मंच को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आया दिन खुशियों का सुहाना, शादी आई दिल का इतराना। आया दिन खुशियों का सराना,
शादी आई दिल का इतराना, आया दिल खुशियों का सुहाना, शादी आई दिल का इतराना। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके आज का बहुत सुंदर सा ये समागम है। भवन का ये उद्घाटन है, अभिनंदन अभिवादन है, भवन का ये उद्घाटन है, अभिनंदन अभिवादन है। माँ जगदम्बा का प्यार दिलाना, दादी आई दिल का इतराना, आया दिन खुशियों का सुहाना, दादी आई दिल का इतराना। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में आदरणीय निर्भय भाई हैं, छोटा सा बजाय चढ़ने पर निर्वेर भाई जी पधारे हैं, झूम रहे हम सारे हैं, निर्वेर भाई जी पधारे हैं, झूम रहे हम सारे हैं। नहीं खुशियों का कहीं है ठिकाना, दादी आई दिल का इतराना, आया दिल खुशियों का सुहाना, दादी आई दिल का इतराना। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। शिव का संदेश सुनाना, दादी आई दिल का इतराना, आया दिल खुशियों का सुहाना, दादी आई दिल का इतराना। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। भाई तालियों की आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी तालियां देते जाओ अच्छी तरह से। चिंदोड़ा में उजियारा है, चमका तारा का सितारा है, चमका तारा का सितारा है। पूछो ना मिला क्या है खजाना, दादी आई दिल का इतराना, आया दिन खुशियों का सुहाना, दादी आई दिल का इतराना। स्वागतम शुभ स्वागतम, तालियों के साथ स्वागतम शुभ स्वागतम, जोर से स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम।
साथ। बहुत ही सुंदर, एक बार जोरदार तालियों से सतीश भाई, नितिन भाई और गोविंद भाई का हम स्वागत करते हैं। सारी सभा को उन्होंने झुमा दिया। श्रीमती इंदिरा रानी यादव, कमांडेंट 34 बटालियन CRPF, आप मंच पर आएंगे और सुनीता बेन, डिप्टी कमांडेंट, आप भी मंच पर आएंगे। स्वागत की यही कड़ी को आगे जोड़ते हुए मैं ब्रह्मा कुमारी तारा बेन को आमंत्रित करती हूँ। तारा बेन एक महीने से खुशी के नशे में झूम रही है कि आज उनके आंगन में इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। कह रही है, खुशबू मांगी थी आज के दिन के लिए, मगर वो लाजवाब फूलों का गुलदस्ता दे गए। आज के दिन की थोड़ी सी खुशी मांगी थी, लेकिन बाबा ने इतने सारे महारथियों को और आप सभी से मिला दिया, सच में खुश नसीब बना दिया। तो वही तारा बेन पिछले 33 वर्षों से गांधीनगर और चिलोड़ा की फुलवाड़ी को सजा रही हैं, पालना देकर के उनको लायक बना रही हैं। आपकी रहनुमाई में बाबा का ये गुलजार महक रहा है, जिनकी रूहानी नज़रों में सिर्फ बाबा का प्यार ही झलक रहा है, उनकी अगवानी में कितना खिला है ये चिलोड़ा का पूरा बाग, क्या कमाल किया है। आपकी सेवा अपरंपार है और ये सेवा का सबूत जगदम्बा भवन आज उद्घाटित हो रहा है। तो तारा बहन अपने दिल के उद्गार हमारे बीच में रखेंगी, ब्रह्मा कुमारी तारा बहन। ओम शांति। आज हम सब की खुशी का दिन है। चिलोड़ा सेवा केंद्र का 30वां वार्षिक उत्सव और जगदम्बा भवन का शुभ उद्घाटन, जिसके उपलक्ष में मंच पर उपस्थित हमारे बीच में परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, साक्षात मंदिर की मूर्ति के समान आदरणीय प्यारी रत्नमणि दादी जी, जो कि जैसे दादी जी का नाम है वैसे ही हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान रत्नों से सजाने वाली ब्राह्मण आत्माओं की जान है। और TTC ट्रेनिंग में हम सभी को अंगे अक्षणे जीवन को श्रृंगार करने वाली ऐसी परम श्रद्धे दादी जी आज विशेष इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधार करके हमें शेष प्रेरणा देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। परम श्रद्धे दादी जी का मैं बहुत बहुत तह दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दादी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दादी जी से जीवन में छोटेपन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज जो कुछ भी आप ये झलक देख रहे हैं, एकदम बाल्यकाल से मैं समझती हूँ, दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ाई करती थी तभी से बचपन से ही कार्यक्रम में भाग लेते लेते आज कन्याओं की ट्रेनिंग लिया, उसके बाद ये जीवन जो कुछ है उसका श्रेय हमारी दादी माँ को जाता है। तो ऐसे दादी जी
आपका बहुत बहुत तहे दिल से पुनः हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ में हमारे बीच में जो इंटरनेशनल संस्था की हमारी दादी जी जॉइंट चीफ हैं, इनके साथ साथ आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में इस इंटरनेशनल संस्था के जनरल सेक्रेटरी परम आदरणीय परम श्रद्धेय निर्वैर भाई जी उपस्थित हैं। भ्राता निर्वैर भाई जी का जोरदार इनका भी ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आदरणीय भ्राता जी, मैं आपको प्यार से कहती हूँ अंकल जी। अंकल जी ने भी मेरे जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया है, श्रृंगारा है, और आपसे भी दादी की तरह मुझे आपसे भी बहुत अच्छी पालना मिली है। हर बात के लिए आज के दिन मुझे मौका मिला है ये कहने के लिए, मुझे बहुत कुछ आपके साथ के भी, जैसे दादी जी के साथ के भी अनुभव है, तो आपके साथ के भी छोटेपन के अनुभव अभी सुनाते सुनाते वो जीवन झरमर मेरे नज़र के सामने आ रही है। तो आज उस पालना का ऋण चुकाने के लिए दादी माँ के साथ आप भी एक देवता के समान, दर्शनीय मूर्त, साक्षात मंदिर की मूर्ति के समान देवतुल्य हमारे नाम ऐसे काम करने वाले आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी का भी मैं पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ ही साथ में हमारे बीच में पधारे हुए आदरणीय भ्राता आईजी साहब, जो कि आप पोस्ट गार्ड राज्यपाल साहब हैं, आप भी अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में पधारे हैं, तो आपका भी तहे दिल से बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ ही साथ में हमारे बीच में काफ़ी करीब, मैं ये कहती हूँ हमारे घर के भाई हैं, ऐसे इस सभा में इस मंच पर उपस्थित CRPF राजेश ढक्कलवाल जी, जो कि DIG हमारे बीच में उपस्थित हैं, अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं। आपका भी इस सभा में बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। राजेश ढक्कलवाल जी के लिए मैं आज के दिन जरूर कहेंगी, आप इतने न भाग्यशाली हैं, आपने डायरेक्ट मधुबन के अंदर जब वहाँ आपकी पोस्टिंग हुई थी, उन दिनों में आपने मधुबन में ही हमारी संतोष मैडम और राजेश ढक्कलवाल जी दोनों ने ही राजयोग का अभ्यास किया है। आप इस संस्था के काफ़ी करीब हैं। हमारे PM साहब ने 21 जून का जो कार्यक्रम जाहिर करते हैं, तो आज के दिन मुझे मौका मिला है कि हमारे राजेश ढक्कलवाल जी 21 दिन का, 21 मई से 21 जून तक पूरा एक मास योगा का प्रोग्राम, जिसका पूरा सपोर्ट आपने किया है, आप खुद हाजिर रहे हैं, और बाबा को आपने इस राजयोग के जरिए 5000 यूथ नौजवानों को भी राजयोग का अभ्यास करा है। इस बात के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हमारे राजेश ढक्करवाल जी, मैं खुद जाती थी, और ये 21 दिन का राजयोग मेडिटेशन का प्रोग्राम आपने खुद ने अटेंड किया, आपके CRPF कैंप के पूरे अधिकारी गण ने भी किया, और 5000 नौजवानों ने भी किया, और जिसमें हमारी शारदा बहन, उनको भी कैलाश दीदी जी ने बुलाया था। इस बात के लिए फिर से एक बार पुनः ताली बजाएंगे उनके लिए। हमारे बीच में साथ ही साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय इस युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका परम आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, जो कि महादेवनगर सब जोन संचालिका दीदी जी हमारे बीच में उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मेरे
बचपन का ऋण चुकाने के लिए, वैसे आपका प्रोग्राम पूना में था जगदम्बा भवन के कार्यक्रम में, लेकिन मेरी लागणी को आपने रिस्पेक्ट किया आज के दिन, आपका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ ही साथ में हमारे बीच में परम आदरणीय राजयोगिनी शारदा दीदी जी, आप महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका है, आपसे भी मैंने बहुत सारी पालना ली है, उसका ऋण चुकाने के लिए हमारे बीच में पधारी हैं, आपका भी सभा में बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और आप जो कुछ भी देख रहे हैं और इसका श्रेय गांधीनगर जिले की हमारी मुख्य आदरणीय राजयोगिनी कैलाश दीदी जी, मेरी जो कुछ जीवन है या मुझे बाबा मिला इस जीवन के अंदर विद फैमिली के साथ, मुझे याद आता है आज के दिन कि गुजरात का पहला मेला मधुबन से करने के लिए आए थे, उस गुजरात का पहला मेला जिसका रिजल्ट सरला दीदी जी को, पूरा हमारी फैमिली वही इसका पूरा परिणाम मिला था। पूरे मेले की मेहनत का रिजल्ट हमारा लौकिक परिवार था। तो आज के दिन हमारी आदरणीय गुजरात की डायरेक्टर सरला दीदी जी, इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ, कुछ हमारे नड़ियाद में भी आज के दिन वहाँ भी उद्घाटन है तो दीदी जी वहाँ उपस्थित है, पर मन से दीदी जी हमारे बीच में हाजिर हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। साथ ही साथ में कैलाश दीदी जी, जो कि कैलाश दीदी और सरला दीदी, इन दोनों की पालना मैं और हमारा लौकिक परिवार, इसको पूरा ही ये पालना देने वाली दोनों दीदियां हैं। तो आज के दिन कैलाश दीदी जी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव आ रहा है अंदर से, लेकिन इतना समय नहीं है, कैलाश दीदी साकार बाबा की पालना ली हुई है, उस साकार बाबा की मम्मा और बाबा की पालना का अनुभव मुझे मिला है। आज के दिन कोई भी अगर मुझे थैंक्स देता है, मैं कहूँगी ये मुझे थैंक्स नहीं है, लेकिन सारा कैलाश दीदी को और बाबा को और सरला दीदी जी को थैंक्स जाता है। तो ऐसी कैलाश दीदी जी का आज के दिन इस सभा के बीच में बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ ही साथ में हमारे बीच में हमारी दादी जी को लेकर के आने वाली लीला बहन, इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ, जिन्होंने मुझे हर हमेशा कायदा और कानून सिखाया, और जितना दादी के पास लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसे ही मुझे सदा जीवन के अंदर शिक्षा देने वाली, मैं कहती हूँ एक माँ की दो बेटियाँ हैं, लेकिन भगवान ने क्या भाग्य दिया है कि भले वो लौकिक में है, लेकिन सदा मैं, उन्होंने मुझे कायदा और कानून ही सिखाया है, और जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ाने के लिए आपका भी मेरे जीवन में पाठ रहा है। हर हमेशा आप मुझे अच्छी तरह से श्रीमत के अनुसार सदा गाइड करती रही हैं। ऐसी हमारी लीला दीदी जी आज दादी माँ को हमारे पास, हमारे बीच लेकर के आई हैं, तो ऐसे लीला दीदी जी का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ ही साथ में हमारे मंच पर आज मेरा बहुत ऊंचा भाग्य है कि इतने बड़े मधुबन निवासी इंटरनेशनल संस्था को चलाने वाले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काफ़ी हैं, यहाँ हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर प्रताप भाई ग्लोबल हॉस्पिटल के सेक्रेटरी हैं, साथ ही साथ में हमारे अशोक घाबा जी, साथ में भरत भाई, रश्मि भाई, रवि भाई और प्रभुलाल भाई, आदरणीय नेहा बहन जो हमारे इस पूरे मंच को कंडक्ट करती हैं, और हमारे भोपाल भाई, जो कि आज के दिन मैं ज़रूर कहूँगी
भोपाल भाई, हमको निर्वाण भाई जी की तरह ही मुझे उनसे भी बहुत पालना मिली है। इन सब के लिए, इन सबका इस सभा के अंदर बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और पीछे हमारे जो बैठे हुए महानुभाव हैं, यूएसए से हमारी तारा बहन, मंजू बहन, कांति भाई और दलू भाई, रंजन बहन मोदी, साथ में यूएसए से ये पूरा ग्रुप आया है इस कार्यक्रम के लिए, और साथ में हमारी यूके से दिलीप भाई, हेमा बहन और हमारे बीच में अशोक भाई, आदरणीय हमारे अशोक भाई, जो हम ये कैंपस में बैठे हैं। इस कैंपस की इतनी सुंदर शान है, इसके ऑनर हमारे आदरणीय अशोक भाई और गिरीश भाई हैं, इनके लिए, इनका भी बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इनके लिए ज़ोरदार ताली बजाएंगे। और इस कैंपस के अंदर खुले दिल से हमेशा निमंत्रण देते हैं, दीदी आप आओ, आपका ही घर है, आप जब चाहो तब आप प्रोग्राम कर सकते हो। और आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ इतना बड़ा कैंपस दिया है, सब प्रकार की सुविधा दी है, हमारे इतने डाइनिंग है, अलग अलग प्रकार के मधुबन निवासियों का डाइनिंग अलग है, टीचर्स का अलग है, और हमारे आमंत्रित मेहमानों का अलग है। ये पूरे कैंपस की रौनक जो देख रहे हैं उसका श्रेय हमारे आदरणीय गिरीश भाई, जो कि रचना इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टर हैं, और हमारे अशोक भाई खेलकूद गुजरात अधिकारी हैं, इन दोनों को ये श्रेय जाता है। और मंच पर अन्य उपस्थित महानुभाव जो उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और हमारे ज्ञान सरोवर की एकेडमी में 19 विंग चल रही हैं, जिसके पूरे इस सेवाओं को देखभाल करने वाले, उनकी जिम्मेदारी संभालने वाले हमारे मोहन भाई सिंगल भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथ में यहाँ उपस्थित दीप प्रागट्य में पधारे हुए हमारे मेहमान, आमंत्रित मेहमान, और पूरे महादेवनगर सब जोन से पधारे हुए, गांधीनगर जिले से पधारे हुए, सभी हमारे बीच में पधारे हुए मेहमानों का, आप सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हमारे मधुबन निवासी, आज मेरा बहुत ऊंचा भाग्य है, बाल ब्रह्मचारी तपस्वी आत्माएं आज इस भूमि पर पधार करके इस भूमि को पावन बना रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आज के दिन जब इतना बड़ा प्रोग्राम कर रही हूँ, हमारी प्रकाशमणि दादी जी को मैं नहीं भूल सकती हूँ, जिन्होंने इस चिलोड़ा की भूमि में भूमि पूजन किया है, पावरफुल, इतना बल और शक्ति भरी है। जो कल हमारी, आज मुझे कहने का मौका मिला है, कल हमारे बीच में परम श्रद्धेय परमादरणीय इस संस्था की चीफ, आज हमारे बीच में जॉइंट चीफ परमादरणीय दादी जी हैं, फिर से एक बार ज़ोरदार इनके लिए स्वागत की तालियां बजाएंगे। मेरा ये परम सौभाग्य है कि इंटरनेशनल संस्था की चीफ दादी जानकी जी कल चिलोड़ा के हॉल में पधारेंगी, और जगदम्बा भवन इसका नाम है, हमारे प्यारे बाबा ने वतन से इसका नाम दिया है जगदम्बा भवन। तो मुझे दिल में आया, हमारी नेहा बहन और सभी मीटिंग में जो बैठे हुए थे, उषा बहन, इन सब ने कहा दादी माँ आ रहे हैं तो हम क्या करें, ऐसा संस्था की चीफ हमारी दादी माँ भी आ रही हैं, तो बाबा ने जो वतन से नाम दिया है जगदम्बा भवन, तो कल दादी माँ के वरद हस्तों से मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जो भविष्य की जगदम्बा, अब की मम्मा, भविष्य की जगदम्बा, उसका तख्ती का अनावरण कल होगा दादी माँ के हाथ से। जो आप सभी भवन की परिक्रमा करने जाएंगे तो उस समय आप सभी देखेंगे। तो ये आज के दिन मेरा भाग्य कहूँगी कि दोनों दादियाँ इस तपस्वी भूमि में आएंगी,
जिसमें हमारी प्रकाशमणि दादी जी ने ऐसा पावरफुल बीज डाला है। सब दादियाँ इस भूमि पर पधारी हैं, तो ये मेरा परम सौभाग्य है। तो ऐसे आज के दिन आप सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। हमारी ताराबेन का भी एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जब आप सभी का स्वागत करने के लिए मुखरूपी माइक को चालू किया था तब तो ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अंदर की भावनाएं बाहर आते 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 इतना ठीक हो गया कि बात ही मत पूछो। बस हम सभी उनको यही कह रहे हैं कि आपके सेंटर की खुशबू महकती रहे, बाबा का आशीर्वाद आप पर सदा झलकता रहे, धीरे धीरे आप प्रगति के पथ पर यूं ही अग्रसर होते रहे, सफलता आपके कदम चूमती रहे। यही आप और हम सभी की मंगल कामना आज के दिन के लिए तारा बहन के प्रति। अभी इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए प्रसंग के उचित अपना उद्बोधन देने के लिए मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी को आमंत्रित करती हूँ। शारदा दीदी पिछले 45 ईयर्स से भी अधिक वर्षों से संस्था में अपनी समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। अहमदाबाद में अंबावाड़ी और उसके कनेक्शन के सेंटर्स का आप सुचारू रूप से संचालन करते हैं। आप हमारे बहुत अच्छे स्पीकर हैं। मधुबन हेडक्वार्टर के भी जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं उनके आप कोऑर्डिनेटर हैं। टीचर्स ट्रेनिंग और रिट्रीट के भी आप रेगुलर फैकल्टी हैं। हेडक्वार्टर के मैनेजमेंट कमेटी के भी आप सदस्य हैं और हमारी राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की महिला विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। अनुशासन, प्रियता, एक्यूरेसी, परफेक्शन, कोऑपरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी निजी गुण हैं और हमें हमेशा सिखाते रहते हैं। आज के दिन पर उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि प्रसंग के उचित अपने उद्बोधन हमारे सामने रखेंगे शारदा दीदी। ओम शांति, ओम शांति। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य परमात्मा पिता शिव की आप सर्वस्नेही संतान आत्मय भाइयों और बहनों, मंच पर उपस्थित परम श्रद्धे आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, आदरणीय भ्राता राजयोगी निर्वैर भाई, भ्राता एस जे हैदर आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गुजरात राज्य, भ्राता टी डी पटेल, भ्राता राजेश ठक्कर डीआईजी सीपीआरएफ, भ्राता राजेश पालक आईजी कोस्ट गार्ड और उसके साथ ही साथ अन्य उपस्थित विशिष्ट अनुभूतियाँ। आज ये रविवार की मंगल शुभ प्रभात और उसमें चिलोड़ा सेवा केंद्र के 30 वर्षों का वार्षिक उत्सव और उसके साथ साथ जगदम्बा भवन के मंगल उद्घाटन का ये सुंदर संगम और समागम और उसके बीच आप सभी विशेष आत्माओं की अनुपस्थिति सोने में सुहागे का काम करती है। विशेष तारा बहन
और कैलाश बहन को परमपिता परमात्मा शिव बाबा की तरफ से और आप सब की तरफ से बहुत 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 हार्दिक बधाइयाँ बधाइयाँ और मुबारकें हों। और ऐसी अंदर की शुभ भावना है कि दिन दूना रात चौगुनी आप अपने मंजिल की ओर अग्रसर होते रहें, जिस लक्ष्य को लेकर के इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपने अपना जीवन विश्व सेवा के लिए समर्पित किया है, उस समर्पण का प्रत्यक्ष फल तो हम देख ही रहे हैं। कितना सुंदर ये भवन और उसके द्वारा अनेका अनेक आत्माएं जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रही हैं, जीवन लाभ ले रही है और स्वयं के कर्मों को श्रेष्ठ करते हुए पुनः इस भारत भूमि को राम राज्य लाने में सहयोगी बन रही है, क्योंकि गुजरात हमारे राष्ट्रपिता बापू गांधी की जन्मभूमि कहें, कर्मभूमि कहें, उनका स्वप्न था राम राज्य की स्थापना। लेकिन विश्व के बापू परमात्मा पिता शिव बाबा प्रैक्टिकली पुनः इस भारत भूमि को स्वर्ण भूमि, राम राज्य मर्यादा पुरुषोत्तम, जहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, वो हिंसक वृत्तियों को समाप्त कर देते हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की परमपिता परमात्मा ने अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो शिक्षा दी, जो सहज राजयोग सिखाया, वो हमें अपने अंदर से इन पांचों विकारों पर विजय प्राप्त कर संपूर्ण अहिंसक नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी किस प्रकार से बने। जो कहा भी जाता है, नर ऐसी करनी क्यों ना करे जो नारायण पद को पाए, और नारी ऐसी करनी क्यों ना करे जो श्री लक्ष्मी पद को पाए। तो इस विद्यालय में कर्म श्रेष्ठ, संकल्प श्रेष्ठ और धारणाएं कैसे श्रेष्ठ हों, वो शिक्षा दी जाती है। ना सिर्फ शिक्षा, परंतु उसे आचरण में किस प्रकार से लाया जाए वो भी हमें सिखाया जाता है। तो ये जगदम्बा भवन, अनेकानेक मनुष्य आत्माएं जो अपने इस जीवन के लक्ष्य से भटक चुकी हैं, जिनका नैतिक और चारित्रिक ह्रास हो चुका है, पुनः उन्हें एक नई दिशा, एक जीवन की नई आशा, एक किरण दिखा करके उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से स्वयं के जीवन में सुख, शांति, आनंद, हिम्मत, साहस, उमंग और उत्साह भरने का एक विशेष कार्य करेगी। और उस कार्य के निमित्त हमारी ये बहनें उस सेवा स्थान पर 24 घंटा सेवा में उपस्थित हैं। मैं ये शुभकामना करती हूँ आप सभी उसका अवश्य लाभ लेंगे, और न सिर्फ स्वयं का जीवन बनाने के साथ साथ अनेकों के लिए प्रेरणा की मूरत बनेंगे। जिस प्रकार से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जो पिछले 82 ईयर्स से निरंतर इस आध्यात्मिक यात्रा की ओर निर्विघ्न आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके सारे विश्व भर में 4,500 से भी अधिक 140 देशों में सेवा केंद्र हैं,
और उन सारे सेवा केंद्रों में आने वाले भाई बहनों का जीवन शुद्ध, सात्विक और पवित्र है। तो परमात्मा पिता का हम सर्वात्माओं के प्रति एक यही शुभ आश है कि हम अपने जीवन से बुराइयों को समाप्त कर इस सृष्टि पर, इस धरा पर वही दैवी दुनिया की पुनर्स्थापना करें जहाँ सुख, शांति और आनंद हो, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक कुल हो, ऐसा सुंदर विश्व जो एक श्रेष्ठ परिवार हो, ऐसी पुनर्स्थापना के लिए हम सब सहभागी बने। एक बार पुनः तारा बहन, कैलाश दीदी को सबकी तरफ से बहुत बहुत इस समागम में, इस उत्सव और उद्घाटन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शारदा दीदी जी, आपने इस सेंटर का उद्घाटन और इस सेंटर की गतिविधियाँ किस प्रकार से रहेगी उसकी जानकारी दी। नाम ही जगदम्बा भवन है, जगत अम्बा जो शक्तियों की यादगार है, गुणों की यादगार है। तो परमात्मा शिव अगर उसकी सही पहचान मिल जाए, उसके साथ के कनेक्शन की विधि अगर हम जान जाए, तो माँ जगदम्बा समान वो शक्ति और गुणों को हम अपने जीवन में ला करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो जैसे उन्होंने प्रेरणा दी कि इस सेवा केंद्र का आप लाभ ले और इस प्रकार की विधि से जीवन को शक्ति संपन्न बनाए, ऐसी आप सभी के लिए भी आज के दिन की शुभ प्रेरणा है।